बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर के कोरोना से संक्रमित होने के बाद अब करीना की प्रवक्ता ने एबीपी न्यूज को जानकारी देते हुए बताया है कि आखिर एक डिनर पार्टी में अपनी बेस्ट फ्रेंड अमृता अरोड़ा के साथ शामिल हुई करीना कपूर किस तरह से कोरोना के संक्रमण का शिकार हो गई हैं। करीना की प्रवक्ता ने आधिकारिक रूप से एबीपी न्यूज से कहा है कि करीना पूरे लॉकडाउन के दौरान एहतियात बरत रही थी। जब भी वो घर से बाहर निकलती तो हमेशा कोरोना को लेकर काफी सजग रहा करती थी। दुर्भाग्यवश इस बार जब वो अमृता अरोड़ा के साथ एक डिनर में शामिल हुई तो उन्हें कोविड हो गया। इस डिनर पार्टी में कुछ चुनिंदा दोस्त भी शामिल थे। उल्लेखनीय है कि ये एक पार्टी बड़ी पार्टी नहीं थी, जैसा कि हर जगह बताया जा रहा है। इस ग्रुप में एक शख्स ऐसा भी था जो बीमार लग रहा था और इस मौके पर लगातार खांसे जा रहा था। इसी शख्स के जरिए उसका प्रसार हुआ है। उस शख्स को जिम्मेदारन रवैया अपनाते हुए इस पार्टी में शामिल नहीं होना चाहिए था और इस तरह से अन्य लोगों को खतरे में नहीं डालना चाहिए था। करीना कपूर की प्रवक्ता ने आगे कहा है कि जैसे ही करीना कोरोना से संक्रमित हुई उन्हें खुद को क्वारंटीन कर लिया और अब इससे निपटने के लिए वो पूरी तरह से एहतियात बरत रही हैं और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रही हैं। करीना कपूर को गैर जिम्मेदार ठहराते हुए उन पर इस तरह के बेजा इल्जाम लगाना सही नहीं है। वो एक जिम्मेदार नागरिक हैं और उन्हें अपने परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की भी चिंता है। देश दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।